हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं, उस देश को फ्राइंग पैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा देश जहां के लोग सबसे ज्यादा अतरंगी कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, इसी देश में डायनासोर के होने का पता चला था। एक ऐसा देश जहां कुल लैंड में से केवल 2.8% जमीन ही खेती करने लायक है। इस देश का नाम एक नदी के ऊपर रखा गया है। दोस्तों, वेस्ट अफ्रीका की यह सबसे बड़ी कंट्री है। जी हां, तो आप समझ ही गए होंगे हम किस देश की बात कर रहे हैं। ये है नाइजर। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, इस देश का नाम है रिपब्लिक ऑफ द नाइजर। यहां की कुल आबादी है तकरीबन 2,49,00,000 के आसपास। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इस देश में आपको 19 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आते हैं। आपको बता दूं, यहाँ सिर्फ 17% लोग ही शहर में रहते हैं, जबकि 83% लोग गांव के बाशिंदे हैं। वेल दोस्तों, इस देश की समय औसतन उम्र है सिर्फ 15.2 साल। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये कंट्री कितनी यंग है। यहाँ के ज्यादातर लोग आपको बच्चे ही नजर आएंगे। आप खुद ही सोचिए, जिस देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन 15 साल के आसपास हो, वहाँ की बात ही अलग होगी। लेकिन दिक्कत यही है कि इन्हें सही रास्ता दिखाने वाला दोस्तों कोई है नहीं। अमूमन आपने नोट किया होगा कि अफ्रीका के मैक्सिमम देशों की जनसंख्या यंग है, लेकिन नाइजर तो यंगेस्ट है। दोस्तों, इस देश का नाम नाइजर रिवर के ऊपर रखा गया है। ये नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नाइजर नदी कुल मिलाकर 2,597 माइल्स लंबी है और ये अफ्रीका की गिनी से शुरू होकर नाइजर डेल्टा में जाकर खत्म होती है। नाइजर नदी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही साफ रिवर है। जी हाँ, यहाँ का पानी नीट एंड क्लीन है, इसलिए कहा जाता है कि नाइजर नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि नाइल रिवर। साथ ही दोस्तों, नाइल रिवर के मुकाबले यहाँ का पानी काफी क्लीन है, क्योंकि इस नदी के पानी में सिल्ट नहीं है और इसका फायदा नाइजर देश को यकीनन मिलता है। दोस्तों, नाइजर का कुल लैंड एरिया है 12,66,700 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, मात्र 2.8% लैंड ही यहाँ खेती के योग्य है और ये जमीन भी नाइजर नदी के किनारे वाली ही है। बाकी सारे में तो रेगिस्तान ही है इस देश में। दोस्तों, नाइजर देश की हालत फाइनेंशियली बहुत ही खराब है। ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। इस देश के पास कुछ भी नहीं है जिसे लेकर यहाँ की गवर्नमेंट कुछ भी डेवलपमेंट का काम कर सके। ना तो इनके पास एक्सपोर्ट करने लायक कोई चीज है, ना ही इनके पास इम्पोर्ट करने के लिए पैसा है। सच्चाई ये है कि अगर बाहर के देशों से मदद आना बंद हो जाए तो इस देश का हुक्का पानी भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये बात सोचो कि जिस देश में जितनी गरीबी होती है, वहाँ के लोग उतने ही क्रिमिनल बनते चले जाते हैं। नाइजर के साथ भी यही हुआ। इनके पास कुछ नहीं है और ऐसे में यहाँ के युवा क्राइम करने लगे हैं। ये न सिर्फ दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट कंट्री है, बल्कि ये सबसे खतरनाक भी है। यहाँ पर रात के समय किसी के लिए भी अकेले बाहर घूमना खतरों से खाली नहीं है। दोस्तों, इस देश में कई तरह की बीमारी भी चरम पर होती है। नाइजर में मच्छर से फैलने वाली बीमारी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में लोग मलेरिया से मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि इस देश में एड्स भी हद से ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ पर जागरूकता की कमी है और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर एड्स जैसी बीमारी चरम पर है। दोस्तों, नाइजर में कुल मिलाकर 8 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे मेन है फ्रेंच। आपको लग रहा होगा यहाँ के लोग भाई फ्रेंच कैसे बोल लेते हैं, तो ये भाई इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इस देश में फ्रांस ने कई सालों तक राज किया। यहाँ पर लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा और वहीं से लोगों के बीच में फ्रेंच भाषा बोलने की शुरुआत हो गई। कमाल की बात तो यह है कि फ्रेंच के अलावा इस देश में 7 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ के लोग लगभग इन सभी लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल माने जाते हैं। दोस्तों, नाइजर में 98% लोग मुस्लिम हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। ऐसे में इस देश में कई सारे सख्त कानून भी लागू हुए हैं। आपको बता दूं, नाइजर कंट्री में हाफ पैंट पहनकर घर से बाहर निकलना सख्त मना है। इनफैक्ट यहाँ के लोग अपने घर में भी हाफ पैंट नहीं पहनते हैं। यहाँ के नियम के हिसाब से इनका धर्म निक्कर पहनने की इजाजत नहीं देता है, इसलिए आप यहाँ के लोगों को कभी हाफ में नहीं देखेंगे। साथ ही आपको बता दूं, जो गिने चुने पर्यटक इस देश में आते हैं, वो भी हाफ पैंट पहनकर बाहर नहीं निकलते। दोस्तों, नाइजर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है सॉल्ट क्योर। बारिश के मौसम के बाद इस फेस्टिवल को यहाँ मनाया जाता है। सॉल्ट क्योर फेस्टिवल में सबसे ज्यादा यहाँ के आदिवासी लोग शामिल होते हैं। यहाँ होती है फुल ऑन मस्ती। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर मौज मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और शिकार करने की अपनी स्किल को भी दिखाते हैं। सॉल्ट क्योर फेस्टिवल की यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। वेल दोस्तों, तो मैंने आपको बताया दिया इंट्रो में कि इस देश को फ्राइंग पैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्यों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये है दुनिया का सबसे गर्म देश। जी हाँ, यहाँ की गर्मी झेलना हर किसी के बस की बात नहीं। देश का 2/3 हिस्सा सहारा मरुस्थल के भीतर है, जिसकी वजह से यहाँ इतनी गर्मी है कि यहाँ पर औसतन टेम्परेचर 44 डिग्री से ऊपर होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की गर्मी कितनी भयानक होती होगी। वेल दोस्तों, ये समस्या पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, लेकिन नाइजर देश में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर बिजली कुछ बड़े शहरों को छोड़ दें तो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। कई ऐसे भी गाँव है जहाँ पर लोगों ने लाइट को अब तक नहीं देखा है। जी हाँ,
हम अपने देश में 5G इंटरनेट की बात कर रहे हैं, आप सोचिए नाइजर देश की हालत कितनी खराब है। दोस्तों, नाइजर के मेडिकल फैसिलिटी के बारे में जानकर किसी के भी होश उड़ जाए। आपको जानकर हैरानी होगी, 3400 लोगों के ऊपर यहाँ एक डॉक्टर उपलब्ध है। जी हाँ, यहाँ पर बीमारियों की वजह से जिन लोगों की मौत होती है वो इसलिए होती है क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज देश में है ही नहीं, ना तो मेडिसिन से और ना ही कोई अच्छा सा इक्विपमेंट। बस ऊपर वाले के भरोसे ये देश आगे चल रहा है। खैर, इस मामले में हमारा देश बेहतर है। वाकई में दोस्तों, किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की, वरना बड़ी बड़ी महामारी कमर तोड़ देती है। वेल दोस्तों, जहाँ बात हो रही है इस देश में साफ सफाई की, तो ये आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। जी हाँ, यहाँ पर गंदगी आपको सभी जगह देखने को मिलेगी। इस मामले में बड़े से बड़े शहर का यही हाल है। बेसिकली इस देश के लोग ही जिम्मेदार हैं इस गंदगी के लिए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने शहर को साफ रखें या ना रखें। यहाँ पर आपको चारों तरफ कूड़े के ढेर देखने को मिल जाएंगे, जो कि वाकई में पेनफुल है। ये भी एक वजह है यहाँ पर बीमारियों के पनपने की। दोस्तों, इस देश की दुर्दशा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर मात्र 17% लोग ही शहर में रहते हैं, जबकि 83% लोग आज भी गांव में ही बसते हैं। यहाँ पर शहर में कोई रोजगार नहीं है और इसीलिए गांव से अगर युवा शहर की तरफ जाएंगे भी तो किस वजह से जाएंगे। यहाँ पर ना तो कोई फैक्ट्री है और ना ही कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि नाइजर देश की हालत इतनी खराब कैसे हुई? सबसे बड़ी समस्या है इस देश की रिश्वतखोरों से। यहाँ पर हर काम के लिए आपको अंडर टेबल पैसे देने होते हैं। हालांकि लगता है ये परेशानी सबसे ज्यादा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ ही है। पूरे अफ्रीका में ही रिश्वतखोरों की कोई कमी नहीं है और नाइजर में तो खुलेआम ही पैसे वसूले जाते हैं। वो बात अलग है कि 50% यहाँ की आबादी के पास पैसे ही नहीं है कि वो किसी काम के लिए दे सकें। वैसे हमारे देश में भी रिश्वतखोरों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक आज के दिन भी नाइजर देश के 45% जनता एक समय का ही खाना खा पा रही है। जी हाँ, एक टाइम के खाने में ही इनको पूरा दिन निकालना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर खेती ना के बराबर है और बाहर से जो भी हेल्प आती है उसके अकॉर्डिंग देखे तो एक टाइम का अनाज भी इस देश के लोगों को फ्री में ही मिलता है। बस से बदतर होता जा रहा है दोस्तों नाइजर देश। दोस्तों, नाइजर के लोग बहुत ही आलसी होते हैं और ये तो होना भी था। अगर आप किसी देश को गरीब कहेंगे बार बार तो उस देश के लोगों को काम करने की जरूरत भी क्या है। लोगों की सोच ही ऐसी बन गई है, खाना तो मिलेगा ही, फिर करना ही क्या है। ये भी एक वजह हो सकती है दोस्तों कि नाइजर के 70% लोग सिर्फ बैठ कर ही अपनी लाइफ जैसे तैसे काट रहे हैं। दोस्तों, नाइजर में नशा एक ऐसा जहर है जो कि लगातार फैलता जा रहा है। 15 साल 2 महीना इस देश के लोगों की औसतन उम्र है। आप सोचिए कितनी युवा कंट्री है, लेकिन जब बात आती है यहाँ के युवाओं की गंदी आदतों की तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये लोग बहुत ही सस्ता नशा करते हैं जिसकी वजह से कई तो जवानी में ही दुनिया से चले जाते हैं और जो बच जाते हैं वो कुछ करने लायक नहीं रहते। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नशा करने वालों की कोई कमी नहीं है और युवा इसमें सबसे आगे निकलते जा रहे हैं। दोस्तों, नाइजर की राजधानी का नाम नाइमी है और ये इस देश का सबसे बड़ा और फाइनेंशियल कैपिटल भी है। यहाँ पर आप शाम में या फिर रात में घूम फिर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी इस देश में जगह नहीं है जहाँ आप रात में निकलें और आपको लूट ना लिया जाए। लेकिन कैपिटल होने के नाते ये थोड़ा सेफ है। दोस्तों, नाइजर के लोग सबसे ज्यादा नॉन वेज ही खाते हैं। इनफैक्ट यहाँ नाश्ते से ही नॉन वेज शुरू हो जाता है। पोर्क और बीफ यहाँ पर सबसे ज्यादा खाया जाता है, साथ ही चिकन की डिमांड भी इस देश में बहुत है। यहाँ के लोग खुद ही चिकन को पालते हैं और उसके बाद उसे अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस देश का बॉर्डर 7 अलग अलग देशों से जुड़ता है और ये कंट्री है लीबिया नॉर्थ ईस्ट में, चैड ईस्ट में, नाइजीरिया एंड बेनिन साउथ एंड साउथ वेस्ट में, सेनेगल एंड माली वेस्ट में और अल्जीरिया नॉर्थ वेस्ट में। कहते हैं कि इस देश का रिलेशन सभी के साथ अच्छा है क्योंकि इनमें से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी है जहां से नाइजर को मदद मिलती है। क्योंकि नाइजर में गरीबी हद से ज्यादा है, ऐसे में यहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही खराब सिचुएशन में है। यहां पर ना तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा मिलती है और ना ही गवर्नमेंट की। यहां पर सबसे ज्यादा फेमस है वैन जिसमें 7 लोग की जगह होती है, लेकिन 15 लोगों को बैठाया जाता है। सोचिए कितना बुरा हाल है। दोस्तों, चूंकि नाइजर में गरीबी हद से ज्यादा है, ऐसे में यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही खराब है। दोस्तों, नाइजर के लोगों के बीच में राइस खाना सबसे ज्यादा कॉमन है। जैसे हमारे देश में रोटी बहुत सारे राज्यों के लोग खाते हैं, वैसे ही इस देश में सिर्फ चावल ही खाए जाते हैं। यहाँ के लोग जंगलों में जाकर शिकार करने में माहिर माने जाते हैं। ये लोग अलग अलग तरीकों से हमला करते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि जानवर को मारने पर कोई सजा दी जाए, यानी कि यहाँ शिकार खुलेआम किया जाता है। वेल दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नाइजर पर आज से कम 115 से 105 मिलियन साल पहले डायनासोर्स रहा करते थे, जिसको ये लोग नाइजर सोरस कहते हैं। हालांकि पहले सबको लगा कि ये काल्पनिक बातें हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इस बात में सच्चाई थी। डिस्कवरी में इस बात का खुलासा हुआ कि इस देश में डायनासोर्स बड़ी संख्या में मौजूद थे। आपको जानकर हैरानी होगी, नाइजर देश के पुरुष से कई ज्यादा मेहनती यहाँ की महिलाएं होती हैं। हालांकि ये कहानी पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए ही है। यहाँ मेल अपने घर पर बैठकर सिर्फ नशा पत्ती करते हैं,
ये किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं और सारा काम यहाँ पर पत्नियाँ और मम्मियाँ करती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस देश के बारे में आपको कौन सी बात अच्छी लगी जरा कमेंट कीजिए। क्या आप कभी इस देश में जाना चाहेंगे हमें बताइएगा। आने वाली और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।